बिसमीम्स केमिस्ट्री ग्रेड एट लेक्चर नंबर सिक्सटी नाइन रिटर्न वर्क नंबर थ्री यूनिट नंबर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम टुडे वी विल राइट क्वेश्चन नंबर थ्री लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री की हेडिंग दे दें फिर लिखे स्टेट द फस्टुलेट्स विच बोहर सजेस्टेड टू और कम द शार्टम ऑफ एटॉमिक मॉडल क्लियर स्टेट द दिहर्स बोहर सजेस्टेड टू ओवरकम द शार्ट कमिंग्स ऑफ एटॉमिक मॉडल क्लियर फिर इसके बाद आप आंसर की हेडिंग दे दें आंसर के बाद फिर आप माइंड मैप की हेडिंग दे दें माइंड मैप मैं आपको बना के दिखाता हूँ माइंड मैप की हेडिंग दे दें और लिखे बोहर्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट पॉइंट में लिखे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल नेक्स्ट फिक्स्ड एनर्जी फिर इसके बाद लेके डेल्टा ई इज़ इक्वल टू ई टू माइनस ई वन फिर नेक्स्ट लिखे इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन ओन आर्बिट क्लियर फिर इसके बाद लिखिए एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू फाइव दीज आर मेन पॉइंट्स और यही मेन पॉइंट्स आप माइंड मैप में बनाएंगे क्लियर इसी तरह आप माइंड में बनाएंगे बोहर्स सिटामिक मॉडल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल फिक्स्ड एनर्जी डेटा इज एक टू ई टू माइनस ई वन इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन ओन आर्बिट एम बी आर इज इकुलच बाई टू फाइव क्लियर फिर इसके बाद इन नाइनटीन थर्टीन नील बोहर्स प्रजेंटेड ए न्यू मॉडल ऑफ एटम टू तो ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ दटामिक मॉडल बोहर्स कंसिडर हाइड्रोजन एटम एज ए मॉडल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें हाइड्रोजन एटम उस उसने एज ए मॉडल लिया था द एटॉमिक मॉडल वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस फिर उसके बाद हेडिंग दे दें मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्लियर मेन बोहर्स एटामिक मॉडल क्लियर फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट से पहले आप इसकी हेडिंग दे ठीक है एनर्जी लेवल शाहबाश आप हेडिंग दे दें इनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कार्ड शिल आर आर्बिट ईच आर्बिट हैज़ ए फिक्सड एनर्जी सो ईच आर्बिट इज़ आल्सो कार्ड एनर्जी लेवल क्लियर यहाँ पे आप शेल आर्बिट को आप ब्लैक मार्कर से हाई करें फ़िक्स्ड एनर्जी को भी आप हाई करें और एनर्जी लेवल को भी ब्लैक मार्कर से हाई करें फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट जब आप लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट से पहले आप हेडिंग दे दें इनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन ब्लू मार्कर से आप कैपिटल में हेडिंग दे दें इनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन दे दिया हेडिंग आप लाइन छोड़े और इसके बाद लिखे द इनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोपोर्शनल को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें द फारदर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा यहाँ पे फार्दर को आप हाईलाइट करें और हाइयर को भी आप हाई करें क्लियर ब्लैक मार्कर से हाई करें कर लिया फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जब आप लिखेंगे तो इससे पहले आप हेडिंग दे दें ठीक है हेडिंग इसके लिए आप हेडिंग दे दें फिक्स्ड एनर्जी क्या कैपिटल में हेडिंग दे दे फिक्स्ड एनर्जी एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फ़िक्स्ड सर्कुलर आर्बिट दे डू नॉट गेन आर लॉस एनर्जी एनर्जी आप इन आर्बिट इज फिक्स्ड क्लियर यहाँ पे फ़िक्स्ड को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें फिर इसके बाद एनर्जी डिफरेंस हेडिंग दें इनर्जी डेफरेंस कैपिटल में दे दिया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी आर्बिट टू द लोअर एनर्जी आर्बिट इट रेडिएट इनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी आर्बिट टू हायर एनर्जी आर्बिट इट एब्जॉर्ब इनर्जी द इनर्जी डेफरेंस बिटवीन टू लेवल इज़ गिवन बाय Delta E is equal to E1 E2 minus E1 is equal to H mu. Where H is equal to Planck's constant, V mu is equal to frequency, E1 is equal to the lower energy orbit, E2 is equal to the lower inner the higher energy orbit, E2 is equal to the higher energy orbit. ई वन इज इक्वल टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट ई टू इज़ इक्वल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड डेल्टा ई इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस क्लियर लिख लिया द एनर्जी डिफरेंस अब इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट जब लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप हेडिंग दे दें इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी रेजिडेंसी आर ई सी आर ई एस आई डी ई एन सी वाई इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी कैपिटल में लिखे इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी की हेडिंग दे दे इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी कैपिटल की हेडिंग दे दे फिर इसके बाद लिखे नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम क्लियर फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दे एंगुलर मोमेंटम ये ऑलरेडी लिखा है कैपिटल में दे दे एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एम बी आर आप एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटेग्रल मल्टीपल आप एच बाई टू पाई। लिखे एम बी आर इज़ इक्वल टू एन एच बाई टू पाई वे आर n is equal to number of shell and that is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. m is equal to mass of electron, v is equal to velocity of electron and r is equal to radius of the orbit in which electron is revolving and h is equal to Planck's constant इट्स वैल्यू इज सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स टू इन टू टेन एज टू पार थर्टी फोर जॉल सेकंड अब उसके बाद फिर आप डाइग्राम बनाएंगे डाइग्राम इसी तरह देट इज़ न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिव फिर फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल फोर्थ एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज के एम शेल एंड एन शेल और इसकी एनर्जी दैट इज ई वन ई टू ई थ्री एंड ई फोर इसी तरीके से आप इसकी एनर्जी डिफरेंस मालूम कर सकते हो नक्स्ट पिछले द आर्बिट बोहर द आर्बिट डिफाइंड बाय बोहर एसकार एशेल are an energy level. These are represented by alphabet K, L, M, N and so on. The electron in K shell is equal to N is equal to 1 have the least energy and it is the nearest to the nucleus. L shell N is equal to 2 is the next shell which is higher in energy न के शिल एंड सो ऑन क्लियर फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज इन वन ईवन इसकी एनर्जी सबसे कम है फिर उसके बाद सेकेंड की उससे ज़्यादा है थर्ड की उससे ज़्यादा है फोर्थ की उससे ज्यादा है एंड सो ऑन क्लियर दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन आपने बना लिया लिख लिया डायग्राम भी बना लिया अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें क्लियर फिनिशिंग लाइन ड्रा करें दीज आर द मेन पास्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड दियर एनर्जी लेवल्स